विजयनगर थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ विहार स्थित वृंदावन सोसाइटी में सोमवार सुबह महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत नहीं हुई थी। इसमें खुलासा हुआ है कि पति ने ही चाकू से गोद कर हत्या की थी। महिला के पूर्व पति से संबंधों के विरोध में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पूर्व पति व महिला ने वीडियो कॉल पर आरोपी को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद शराब के नशे में बेसुध हुई महिला की हत्या पति ने शराब के नशे में कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए सुनवाते हैं पुलिस की जुबानी। देखिए, दिनांक 26 दिसंबर को पुलिस को 100 नंबर के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि आवास विकास कॉलोनी सिद्धार्थ विहार थाना विजयनगर क्षेत्र में एक महिला की हत्या के संबंध में इसी सूचना पे स्थानीय पुलिस द्वारा मौका मुआयना किया गया और महिला के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया और पोस्टमार्टम के आधार पे महिला की मृत्यु स्टैब इंजरी से हुई है, जो कि एंटीमार्टम के नेचर है। इसी के आधार पे इनके जो भाई हैं भव्य शर्मा नाम की महिला थी जिनकी मृत्यु हुई है और इनके भाई के द्वारा थाना विजयनगर पे FIR पंजीकृत कराई गई थी, जिसके आधार पे इसके पति विनोद शर्मा को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसने अपने बयानों में भी इस बात को कबूला कि महिला जो है कई दिनों बाद इंदौर से वापस आई थी और इनका अपने पहले पति से मिलने जुलने को लेकर के झगड़ा हुआ था और इसी में इन लोगों ने शराब भी काफ़ी मात्रा में पी और इनका कहना है कि इसी झगड़े को लेकर के इनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। मैम, आखिर हत्या की वजह क्या थी और महिला की पहले भी शादी बताई जा रही है, क्या है? देखिए, ये भव्या शर्मा नाम की महिला हैं जो लगभग 35 वर्ष हैं और इससे जो इनके पति हैं अभी विनोद शर्मा वर्तमान में, इसके पहले भी इनकी 3 शादियां हैं जिससे इनके 2 बच्चे हैं। इसमें एक पति हैं इनके अनीस अंसारी जो पूर्व में इनके पति रह चुके हैं, इससे इनका अभी भी हाल फिलहाल मिलना जुलना था। इनके पति को जब इसकी जानकारी हुई इसी बात को लेकर के इनका झगड़ा हुआ और ये घटना को अंजाम दिया। बताया गया कि हत्या के बाद जो जो खून था उसको साफ किया गया, जो कपड़े थे खून से सने हुए उनको वॉशिंग मशीन में डालकर साफ कर दिए गए, सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की गई। क्योंकि विनोद शर्मा से जो कि इसमें अभियुक्त हैं, इनसे पूछताछ करने पर बताया गया कि 25 की सुबह ये महिला कहीं बाहर से आई थी इंदौर से, जैसे कि इन्होंने बताया, और रास्ते में आते वक्त ही इन्होंने शराब खरीदी और घर में बैठ करके उसको काफ़ी मात्रा में उसका कंजम्पशन हुआ और महिला के फ़ोन पे इनके पूर्व पति अनीस अंसारी की वीडियो कॉल आई इनके सामने और इन्होंने महिला से जो है पूछताछ की इसके बारे में, तो ये संज्ञान में आया कि संभवतः ये अपने पूर्व पति के साथ में थी, इसी बात को लेकर के इनका झगड़ा हुआ आपस में और ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। एसीपी कोतवाली अंशु जैन ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी वृंदावन सोसाइटी का विनोद शर्मा है। वो मूल रूप से हरियाणा के गुरुग्राम का है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी बेबी उर्फ भव्या का पहला पति योगेंद्र कुमार है। उससे पत्नी को 16 साल का एक बेटा है जो योगेंद्र के साथ ही रहता है। दूसरी शादी उसने अनीस के साथ की थी। अनीस से उसे 8 वर्ष का बेटा आदिल है। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए वरुण सिसोदिया की रिपोर्ट।